Hello, bachcho. Let's read this question. Which of the following contraceptive methods involve the role of hormones? ठीक है, कौन से contraceptive method है जो hormone की role को involve करते हैं? यहाँ पर दिया है barrier method, lactational amenorrhea, pills. तो यहाँ पर lactational amenorrhea में भी hormone का role आ जाता है, pills में भी, but barrier method में नहीं. Barrier method में आप देखते हैं ना, barrier की तरह use होने वाले आप contraceptive method use कर रहे हैं. जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एज अ बैरियर, बैरियर मेथड में आप कॉन्डम्स को यूज करते हैं, ठीक है, डायफ्राम्स, ये सब चीजें आ जाती हैं, बट ये हार्मोन का रोल नहीं आ रहा है इसमें. कॉपर टी पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. कॉपर टी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव और पिल्स, इनमें हार्मोन का रोल आ जाता है, बट कॉपर टी में नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा. पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, इनमें हार्मोन का रोल आ जाता है, बट बैरियर मेथड में नहीं आता, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाता है. फिर दिया है लैक्टेशनल एमिनोरिया पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. तो यहाँ पर पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर हम बात करते हैं, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है ऑफ स्मॉल डोजेस आइदर प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टोजन और ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन. ठीक है, प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशंस, तो ये टैबलेट फॉर्म में अगर ले रहे हैं तो यहाँ पर ये पिल्स हैं. और ये पिल्स जो होती हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, अब जब हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बात करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है इसमें प्रोजेस्टोजन और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का. आईयूडीज विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है, as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourse. Okay, तो यहाँ पर ये दोनों में hormone का role आ गया है. Lactational amenorrhea, तो आप देखते हैं ना, after giving birth, जो 6 महीने तक, 6 months तक, mother feed कराती है baby को. ठीक है, mother क्या करा रही है? Feed करा रही है. तो उस वक्त milk के production के लिए कौन सा hormone high रहता है? Prolactin. और ejection के लिए oxytocin. ऑक्सीटोसिन नो डाउट स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस उनमें कॉन्ट्रेक्शन कराता है, बट इजेक्टिंग हार्मोन भी है, मिल्क का इजेक्शन भी कराता है. तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई होता है ना, तो ये निगेटिव फीडबैक भेजता है किसके पास? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के पास. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आने वाला हार्मोन है. नॉर्मली काम कैसे करता है? पिट्यूटरी पर काम करता है, पिट्यूटरी से LH और FSH का सिक्रीशन कराता है. ठीक है, पिट्यूटरी जो है वहां से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनका रिलीज कराएगा, और LH सर्ज जरूरी होता है ओव्यूलेशन के लिए, जो फीमेल में ओव्यूलेशन होता है. अब जब यहाँ पर आप देख रहे हैं नेगेटिव फीडबैक जा रहा है, तो GnRH कम हो जाएगा, उतना इनफ नहीं है कि LH इंक्रीज करा सके, तो LH क्या मिलेगा इस वक्त? कम मिलेगा. तो ये पूरा प्रोसेस आपको होता नजर नहीं आएगा कि LH सर्ज हुआ, ओव्यूलेशन हुआ. तो ओव्यूलेशन नहीं होगा तो ओवा नहीं होगा बॉडी में. अगर स्पर्म अंदर पहुंच भी जाता है तो वो वहां ओवा नहीं होगा, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट कैसे होगा, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे होगा, और आगे पूरा प्रोसेस प्रेगनेंसी का कैसे होगा? तो ये क्या होता है? लैक्टेशनल एमिनोरिया. ये होता है कॉन्ट्रासेप्शन और नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन. ठीक है, उसमें भी आप कैसे देखते हैं कि यहाँ पर मदर फीड करा रही है 6 महीने के लिए, तो ऐसा देखा जाता है कि प्रोलैक्टिन हाई है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम हो गया है. ठीक है, तो यहाँ तीनों ही आप देख रहे हैं हार्मोन का रोल आ रहा है तीनों में, तो करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो ऑप्शन डी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन UNCERT क्लास 12 पेज नंबर 44 एंड 45 पर गिवन है. थैंक